हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से धनबाद जंक्शन, जो कि झारखंड का एक स्टेशन है, वहां तक चलती है। अगर हम बात करें इस ट्रेन के ट्रेन नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर है 11045, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है हफ्ते में एक दिन चलती है। कोल्हापुर से ये हर बृहस्पतिवार को यानी कि वीरवार को ये धनबाद के लिए रवाना होती है और 60 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है। और इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं और 2891 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर करती है। अगर हम बात करें इसके दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं अभी जो आपको किराया बताऊंगा दीक्षा भूमि एक्सप्रेस का, वो कोल्हापुर से धनबाद तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 2360 रुपये, स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 905 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 500 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि कोल्हापुर से धनबाद तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र से हर बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को रात को 11:45 पर रवाना होती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन आता है इस ट्रेन का वो है मिरज जंक्शन। यहाँ पर ये 12:40 पर पहुँचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है 17 स्टेशन में पहुंचती है 3:17 पे रात को और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पुणे जंक्शन में पहुंचती है 7:25 पे और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दाहौंद जंक्शन में पहुंचती है 9:20 पे सुबह और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। दाहौंद जंक्शन के बाद ये जो दीक्षा भूमि एक्सप्रेस है वो अहमदनगर में पहुंचती है 11:07 पे और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 485 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खोपरगांव स्टेशन में पहुंचती है। गाँव में ये 1:18 पे दोपहर को पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मनमाड़ जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:20 पे और 2:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है औरंगाबाद स्टेशन में पहुंचती है 4:25 पे और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 751 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलना स्टेशन में पहुंचती है 5:20 पे और 5:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है परभनी जंक्शन में पहुंचती है 7:30 पे और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पूर्णा जंक्शन में पहुंचती है। पूर्णा जंक्शन में ये 8:20 पे पहुंचती है और 8:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के अगले स्टेशन हजूर साहिब नांदेड़ में पहुंचती है। हजूर साहिब नांदेड़ में ये 9:55 पे पहुंचती है और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है किनवट स्टेशन में पहुंचती है। किनवट स्टेशन में 1:01 पहुंचती है और 1:01 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना के आदिलाबाद में पहुंचती है 2:00 और 2:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फिर से महाराष्ट्र में एंटर करती है मंडी मजरी जंक्शन में पहुंचती है। मजरी जंक्शन में ये ट्रेन जो है 5:13 पे पहुंचती है और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सेवाग्राम जंक्शन में पहुंचती है 6:11 पे और 6:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में पहुंचती है 7:35 पे और 10:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो नरखेर जंक्शन में पहुंचती है। नरखेर जंक्शन में ये ट्रेन जो है 8:53 पे सुबह पहुंचती है और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडुराना स्टेशन में पहुंचती है 9:11 पे और 9:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है
अमला जंक्शन में पहुंचती है 10:21 पे और 10:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन बैतूल स्टेशन में पहुंचती है। बैतूल स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह के 10:38 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका उसके बाद ये ट्रेन जो है घोड़ा डोंगरी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:21 पे और 11:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन इटारसी जंक्शन में पहुंचती है। इटारसी जंक्शन में ये दोपहर के 1:40 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है। जबलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:10 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:35 पे और 6:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सतना जंक्शन में पहुंचती है। सतना जंक्शन में 8:20 पे पहुंचती है रात को और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। और ये जो है मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है इस ट्रेन का। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में नैनी जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर इसका टेम्पररी स्टॉप है कुंभ मेले के कारण। यहां पर ये 1 मिनट के लिए रुकती है। 12:38 पे ये रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 1 बजे और 1:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद सिटी में पहुंचती है। इलाहाबाद सिटी में ये रात के 1:35 पे पहुंचती है और 1:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ज्ञानपुर रोड में पहुंचती है रात के 2:48 पे और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2408 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में पहुंचती है सुबह के 4:45 पे और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगल सराय में पहुंचती है सुबह 5:40 पे और 5:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भाबुआ रोड में पहुंचती है 6:26 पे और 6:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। ये जो बिहार का पहला स्टेशन है भाबुआ रोड यहां। उसके बाद सासाराम जंक्शन में पहुंचती है ये सुबह 7 बजे करीब और 7 बजे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है देहरी यौन सोने में पहुंचती है सुबह 7:16 पे और 7:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गया जंक्शन में पहुंचती है। गया जंक्शन में ये सुबह 8:45 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है वो अपने कडोरमा जंक्शन झारखंड में पहुंचती है सुबह 9:52 पे और 9:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने सेकंड लास्ट स्टेशन पारसनाथ में पहुंचती है 10:46 पे और 5 मिनट बाद 10:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है अपने आखिरी स्टेशन धनबाद जंक्शन झारखंड में दोपहर के 12 बजे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 2891 किलोमीटर की कवर कर चुकी है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले।